Going? I'm at school. Going to school? Yeah. Who is there in school? Going to school. School is chocolate and Nia. School is chocolate and Nia. Friend is there? Friend? What is the friend's name? Come on. Mama. Where is Miss Sam? Miss Sam. Miss Sam, come. You like Miss Sam? No. What? No. Boring. You like your teacher, na, Miss Sam? Chalo, let's go. Finish your tiffin, okay? Okay. Upar is flying. Upar. Oh yeah, it's just kaka is flying. Fly. It's pigeon. Pigeon. Yeah. Honey, pigeon. Kaka pigeon. Kaka pigeon. Mama, kaka pigeon. Yes. Kaka pigeon. Eat roti. Kaka pigeon eat roti. Okay. Kaka eat chicken, okay? Kaka eat roti. Where is your school? School no. No. Who? The female kabutar wo kya kaki? My school. Huh? Where is school? School there. There? School no. School no? You don't want to go to school? School. Let's go. School 9. Dugo, where is your school? School 9. Ah, there. Nice school. No. Train. Oh, nice. School Polila. You want to go to school? Anana, police. Anana. Oh? Anana. Anana. Another one. One, two, go! One, two, three, go! Dugu, you want to go to new school? New school, you want to go? Yeah. 1, 2, 3, 4. Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ अर्चना. कैसे हैं आप सब लोग? एंड ये है जीत. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस? गुड मॉर्निंग. तो हनी बनी अभी स्कूल जा चुके हैं. अभी बस जीत का काम है लंच बनाना है. ब्रेकफास्ट क्या खाओगे आज? ब्रेकफास्ट मेरा काम है लंच बनाना. नहीं, मतलब मेरा आपकी तरफ को काम है. अच्छा, आप क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? सैंडविच बना दो. मैं नवरत्न थाली खाऊंगा. बनाएगी? नवरत्न थाली ब्रेकफास्ट में कौन खाता है नवरत्न थाली? मेरा मन है खाने का. जाओ खरीद के खा लो. नवरत्न खरीद के कहाँ से खा लो? ऑप्शन है आपके पास. मैं अभी क्या बोली? फिर क्या खाना है आपके पास? तीन ऑप्शन है. स्प्राउट्स खाओगे कि सैंडविच खाओगे कि चूड़ा, वो क्या, चेवड़ा खाओगे. ये तीन ऑप्शन है बस. तीन है?
कैबेज खाऊंगा। मुझे पता था, मुझे पता था लालची लोग, लालची लालची पेट, पेट के लिए लालची आदमी। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ जाके घर में सैंडविच एंड लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ फटाफट, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। अब आप लोग ही बताओ, कोई आपको स्प्राउट दे साथ में चिवड़ा दे और सैंडविच दे तो आप क्या चूज करोगे? और ये मुझे लालची बोलती है, बेवकूफ कहेगी। बताओ मतलब आप इतने खुशनसीब हो कि आपको तीन तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं ब्रेकफास्ट में, वरना लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए ही नहीं मिलता है मेरे जैसे लोगों को। क्या तेरे जैसे लोग करते नहीं है, बट ब्रेकफास्ट क्या करना। शी हैज आल्सो स्टार्टेड डूइंग द ब्रेकफास्ट। कब कब तूने भी करना शुरू कर बोला था मेरे को? कब बोला था? वो तो मैंने झूठ बोल दिया। ब्रेकफास्ट कर ले, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, इसकी वजह से मेरी आवाज ऐसी आ रही है, वरना वैसे अरे सबका गला खराब है, मेरा भी गला खराब है, तो मेरी भी आवाज ऐसे चेंज हो रहा है, मौसम तो चेंज हो रही रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जीत आपको दुबई घुमाएंगे, अभी बहुत दिनों से हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे मतलब घूमने फिरने के लिए, क्योंकि समर चल रहा था, विंटर मतलब विंटर अभी स्टार्ट हो गया है अक्टूबर एंड से, सारे जो भी बहुत सारी चीजें जो दुबई में खुल जाती है विंटर्स में ही वो लोग ओपन रहता है, फिर समर्स में बंद हो जाते हैं, तो हम लोग वो सब जगह एक्सप्लोर करेंगे एंड आप लोगों को लेके जाऊंगी, बहुत दिनों से दुबई टूर नहीं किया तो वो करेंगे। करेक्ट, लेट्स गो, लेट्स गो हनी बनी से। बाय गाइस, सी यू। When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. काम बेडरूम वगैरह सब ठीक कर दिया है मैंने, अभी मैं आराम से बैठूंगी एंड बिग बॉस देखूंगी एंड आप लोगों से कुछ बातें करूंगी। एंड आज मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, यम्मी यम्मी सैंडविच, मुझे ये वाली सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, ये एक्चुअली हेल्दी भी है काफ़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इसकी रेसिपी।
एंड हाँ, मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। जैसे मैं अपने ब्लॉग्स में मोस्टली रेसिपी शेयर करती हूँ, तो उसमें क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं कर पाती हूँ, जिसके वजह से आप लोगों का थोड़े बहुत डाउट भी रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ रेसिपी शेयर करने से, क्योंकि एक दो आइटम डेली बताने से आप, मतलब वो मैं जो आप लोगों से मैं कल जो बोल रही थी ना, इतना ज़्यादा मैं बातचीत नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से, और हनी बनी के वीडियोस एंड हमारा लाइफस्टाइल, क्लीनिंग वगैरह ये सब इतना शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मेरा जो चैनल था, एक जो सिंगिंग चैनल, जो सिंग विथ अर्चना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर दैट। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको पसंद है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है। एंड उस चैनल का नाम अब मैंने फूड एंड डेकोर रख दिया है। तो उस चैनल में मैं जो भी रेसिपी, जो भी मतलब कुछ अच्छा स्पेशल रेसिपीज मैं बनाऊंगी, वो मैं उसमें शेयर करूंगी फुल डिटेल के साथ में इंग्रेडिएंट, जैसे फूड चैनल में होता है उस टाइप का शेयर करूंगी। एंड जो नॉर्मल रेसिपीज मैं घर में बनाती हूँ, वो जैसे मैं ब्लॉग में शेयर कर लिया। एंड ब्लॉगिंग में हमारा ट्रैवल रहेगा हनी बनी का, वो मतलब मेरे आप लोगों से बातचीत, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स, इस टाइप के कुछ शेयरिंग वगैरह ये सब रहेगा। तो उस फूड चैनल में मैं पूरा जो भी मैं कुछ अच्छा स्पेशल रेसिपी, जैसे गेस्ट मेन्यू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छे से मैं शेयर करूँगी उसमें। साथ ही साथ मैं कुछ होम डेकोरेशन आइडियाज़ भी शेयर करूँगी इसमें, जो मतलब DIY टाइप का मैं उस शेयर करूँगी। अभी नहीं तो फिर भी और 10-15 दिन के बाद मैं वो सब शेयर करूँगी, बट अभी मैं फूड रेसिपीज तो पक्का शेयर करूँगी। एंड साथ ही साथ बीच बीच पे मेरा वो सिंगिंग का एक एक कुछ आएगा, वो जैसे कि मैंने बताया, वो मेरा मूड होता है तो मैं कुछ सिंगार लेती हूँ एंड मैं अपलोड कर लेती हूँ। एंड वो बेसिकली मेरी मेमोरीज के लिए है कि आगे आने वाले टाइम में मुझे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यू डोंट नो गाइस, ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक आप शूट करोगे, थोड़ा थोड़ा क्लिप उसको एडिट करोगे, उसको बहुत सारा होता है, ये करो वो करो अपलोड करो, टाइम लगता है, कमेंट्स रिप्लाई दो, उसको एडिटिंग करो, थंबनेल बनाओ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कभी कभी एक एक दिन होता है कि मन नहीं करता कि नहीं करूँ, रेस्ट करूँ, बट गाइस ट्रस्ट मी, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। मैं इसलिए बोलूँगी कि आपकी मेमोरी स्टोर हो रही है आपको। अगर मैंने 7-8 महीने पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट की, उससे पहले का मुझे हनी बनी की चीज़ें मुझे याद है, हमने थोड़े थोड़े क्लिप्स कैप्चर करके रखे, बट अभी जो स्टोर हो रहा है ना, उनके मेमोरीज आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, इवन आज से 3-4 साल के बाद शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँ, शायद आप लोग मेरी लाइफस्टाइल देख के बोर हो जाओगे तो मैं शायद ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं करूँ, बट वो जो मेमोरीज है ना हमारी लाइफ टाइम के लिए, मैं उसमें स्टोर कर रही हूँ। हनी बनी जब बड़े हो जाएंगे, शायद मैं उनको जब वो वीडियो दिखाऊंगे, शायद उनको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी, जीत को भी खुशी मिलेगी। ये जो हमारे नोक झोंक है ना, हनी जीत और मेरे नोक झोंक, कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ में सब में झगड़ा होता है, हम हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा झगड़ा नहीं होता है, हमारा भी झगड़ा होता है, बट हाँ हमारा झगड़ा ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं करता है, 10-15 मिनट में ही हम लोग आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो बट जब वो कुछ मेजर झगड़ा हो जाता है, एंड ये सब वीडियो जो हमारे फनी वाले, ये वाले नोकझोंक वाले वीडियो मैं देखती हूँ ना, तो झगड़ा गुस्सा कहीं गायब हो जाता है यार। तो मेहनत तो है, बट आगे के लिए मैं ये सब मेमोरीज मैं अपना बिल्डअप कर रही हूँ, जो कि मतलब पहले बीच में मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि अरे यार बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ब्लॉगिंग के वजह से, बट धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है कि मेरी मेमोरीज भी बिल्डअप हो रही है एंड आप लोगों के साथ कनेक्शन भी अच्छा बन रहा है। तो इस वजह से ब्लॉगिंग तो मैं कंटिन्यू करूंगी ऑब्वियसली। शायद हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, जैसे हफ्ते में मैं अभी 6 वीडियोस डालती हूँ, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मैं 4-5 वीडियो ही डालूँ, एंड रेसिपी साथ में मैं अपने रेसिपी चैनल में, जो फूड एंड डेकोर वाला चैनल है, उसमें मैं हफ्ते में मैं कोशिश करूंगी वीक में 2-3 रेसिपीज उसमें डालने के लिए।
तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को मेरा कुकिंग बहुत पसंद आता है। मैं सिंपल वे से इजी, जो भी सिंपल घरेलू सामान में ही जो इजीली बन जाते हैं, मैं उस टाइप की रेसिपी शेयर करती हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो इस वजह से मैं थोड़ा डिटेल में इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये सब दिखा के अच्छे से मैं रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ है। तो वीकली 2 या 3 उसमें रेसिपीज़ मैं उसमें अपलोड करूँगी। एंड मेरा ब्लॉगिंग जैसे कंटिन्यू चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर आप लोगों को चाहिए रेसिपीज़ तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वो वाली रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो आज ये जो सैंडविच वाली रेसिपी है मैंने आज आप लोगों से शेयर नहीं किया है, तो ये वाली रेसिपी मैं उसमें डाल दूंगी। एंड साथ में अभी मैं लौकी लौकी का कोफ्ता बनाऊंगी, लौकी कोफ्ता करी, लौकी को सिंपल वे में। मतलब मैंने बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी मैं उस चैनल में शेयर करूंगी। तो अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। लिंक उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, सो प्लीज़ डू वॉच। इसके मतलब ये करने के बाद मैं अगर रेसिपी, जैसे मैंने इस चैनल पे बता दिया कि मैंने आज क्या बनाया, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है आप तो जाके वहाँ पे रेसिपी चेक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अभी कितना 7 मिनट आसपास हो गया है, तो जब मैं रेसिपीज ब्लॉग के साथ शेयर करती हूँ ना, तो मैं इतना आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा मैं हमेशा जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ कि चलो मैक्सिमम मैं 2 मिनट का ही कुछ बात बोलूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो इससे मैं आप लोगों से ज़्यादा बातचीत भी कर सकती हूँ, आप लोग मुझे जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहो मैं ऐसे ही रिप्लाई कर सकती हूँ, अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँगी, रैदर देन कमेंट्स में 1-2 लाइन लिख के अच्छे से रिप्लाई भी कर पाऊँगी। साथ में आप लोग डिटेल में रेसिपी भी देख पाओगे। होप आप लोगों को ये वाला आइडिया मेरा पसंद आया होगा। देन चलिए फिर मैं अपना पहले अपना ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ एंड बिग बॉस थोड़ा देखूंगी, देन मैं जाके लंच बनाऊंगी हनी बनी के लिए। मतलब वो जो कोफ्ता करी है बहुत अच्छी रेसिपी है बच्चों को खिलाने के लिए सब्जी, क्योंकि लौकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस उसमें है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मेरा ये कहा गया, इसके बारे में मैं ऑलरेडी 3-4 बार बता चुकी हूँ, बट फिर भी पूछते हैं कोई कोई नए सब्सक्राइबर। गाइस ये मेरे ये एस पेन है, मेरा फ़ोन है Note 9, तो ये एस पेन है। तो इससे मैं कैमरा, ये जो स्विच है इससे मैं कैमरा ऑन ऑफ करती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा इसको पकड़ती हूँ। सो आई सी यू आफ्टर सम टाइम। Who gave you candy? Friend gave you. Where is bunny? Bunny. Where are you, bunny? come inside. Mama will open candy. Come. Give you candy. Friend candy. Mama, please, mama. Okay, show to everyone first. Say hi to everyone. Say hi. Mama, please open. First change your dress, then open, okay? Okay. Thank you.
नो किए बेगी कोलालो हनी बेगी कोरी तो हनी को बेगी कोनु जा जा हनी को तो बेगी कर दे व्हाई आर यू क्राइंग यू आर अ ब्रेव बॉय ना कम हियर से सॉरी टू भाई एंड गिव अ किस गिव अ किस गिव अ किस डोंट क्राई हां से लुओ पोछ दे टिश्यू दे लुओ पोछ दे सी सी गिव अ किस टू भाई गिव अ किस टू भाई गिव अ किस Give a kiss to boy. Good boy. Don't cry, bunny. See? See? Boy is so nice, na? So don't cry. Okay. Say I love you, bunny. Okay, now don't cry. Okay, bunny. Honey is okay. So guys, honey bunny ka lunch ho gaya hai. And बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चों के लिए कुछ आप हेल्दी बनाओ और वो खा ले। हाँ जी बेबी ओके थैंक यू कम हियर कम हियर कम कम हियर से हाय टू एवरीवन हाउ आर यू हनी इज अ गुड बॉय खाना खाने के बाद अपने आप से पानी पीने के बाद बोल रहे मम्मा गुड बॉय तो अच्छे से खा लिया उन्होंने तो आप लोग अगर रेसिपी जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप ट्राई कर सकते हो बहुत ही सिंपल है इजी है एंड आप लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि हनी बनी का जो उनका जो फुल डे रूटीन होता है वो शेयर करने के लिए तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक के आसपास उनका फुल डे रूटीन सुबह से लेकर रात तक उनका रूटीन जो है वो मैं शेयर करूँगी वीकडेज में ही शेयर करूंगी वीकेंड में तो हम सबका ही रूटीन पूरा बिगड़ा हुआ होता है एंड होना भी चाहिए वीकेंड में तो थोड़ा लेट उठो सब कुछ लेट घूमना फिरना यही रहता है हाँ सो होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट लाइक थम्स अप डू से थम्स अप दिस वन थम्स अप से सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ठीक है सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बनी क्या कर रहा है बनी कहाँ है तो बनी पॉटी कर रहा है तो अभी मैं उनको सुला दूंगी 12:15 हुआ है 12:30 वो डेली 12:30 एग्जैक्ट 12:30 पे मैं उनको बेड पे लेके जाती हूँ तो वो फिर 10-15 मिनट वहाँ पे खेलने के बाद वो सो जाते हैं तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव बाय बाय गाइस बनी हनी से बाय 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 गाइस बाय बाय